हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज सब्जी। मिक्स वेज बनाने के लिए हमको चाहिए 1 कप कटे हुए आलू, 1 कप फूल गोभी, 1/2 कप शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून हरी मेथी, 1/2 कप पत्ता गोभी, 1/2 कप प्याज, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप मटर, 1/2 कप धनिया, 1/2 कप टमाटर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, जीरा, खटाई, हल्दी और नमक। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा चटकने लगा है, साथ ही डाल देंगे अदरक और मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज ना डालें। प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे गोभी, आलू, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, मेथी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब्जी को मीडियम स्लो हीट पर ढक करके पकाएंगे। बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जी मीडियम स्लो हीट पे पकेगी। टमाटर है जिसकी वजह से काफ़ी पानी हो जाता है इसमें। इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहें। सब्जी को आप हाथ से दबा करके देख लें या कलछी से दबा करके देख लें कि वो दब रही है या नहीं। ये सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर अपने स्वाद के अनुसार मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून खटाई और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब ढक करके करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं सब्जियों में। बीच में एक बार चला देंगे जिससे कि सब्जी नीचे लगे ना। हमारी मिक्स वेज तैयार है। अब हम एक बाउल में सर्व करेंगे। ये हमारी मिक्स वेज तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और शेयर करें रेसिपी को। थैंक यू।